हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल यूपीएससी लाइफ में। हम लोग सोशोलॉजी ऑप्शन को कवर कर रहे हैं, उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम लोग यूनिट 4 के अंतिम थिंकर्स यानी कि छठे थिंकर्स के बारे में जानेंगे, जो है मीड जी। मीड के बारे में हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि मैं और मुझे का जो सिद्धांत उन्होंने दिया, वह किस प्रकार से हमारे समाज शास्त्र के विषय में कितना उपयोगी है, और उनकी जो उपयोगिता है, उनका जो अध्ययन है, वह किस प्रकार से समाज शास्त्र को एक नई दिशा देता है। उन सारे बिंदुओं पर हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि मीड का व्यक्तित्व क्या था, वह किस प्रकार से वह समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे, और वह किस प्रकार के व्यक्तित्व थे, वह उनके जीवन पद्धति से पता चलता है। यह जो है अमेरिका से जुड़े हुए व्यक्ति थे, यानी कि ये तीसरे थिंकर हैं जिनका जुड़ाव अमेरिका से है। अभी तक शुरुआत के तीन थिंकर्स यूरोप से थे, फिर जो लास्ट के तीन थिंकर्स जैसे कि पार्सन्स, मर्टन और मीड, ये सभी लोग कहाँ से हैं? अमेरिका से हैं। तो अमेरिका की जो थ्योरी थी वो क्या थी? शोषण के विरुद्ध थे, क्योंकि ये भी उपनिवेशवाद के शिकार रहे हैं अमेरिका। फिर ये आज़ादी पाता है और आज़ादी के बाद किस तरीके से अपने आप को डेवलप्ड करता है, तो कहीं ना कहीं ये उपनिवेशवाद से प्रभावित थे अमेरिका के जो भी लोग थे। तो पार्सन्स, मर्टन और मीड, इन तीनों ही लोगों के सिद्धांतों में हमें कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद से ग्रसित विचारधारा जरूर देखने को मिलेगी। तो ये जो है, पहली बात तो मीड जो है शिकागो संप्रदाय से जुड़े हुए एक दार्शनिक होने के साथ साथ समाजशास्त्री भी थे। और मैं एक और चीज़ बता दूँ कि ये दार्शनिक भी थे, मनोवैज्ञानिक भी थे और समाजशास्त्री भी थे। और इन्होंने जो है इन दोनों ही बातों का फायदा जो है अपने समाजशास्त्र के अध्ययन में प्रयोग किया, दार्शनिक होने का और मनोवैज्ञानिक होने का। इन दोनों ही बातों को जो है इन्होंने अपने समाजशास्त्र के अध्ययन में डालने की कोशिश की। इन्होंने समाजशास्त्र में एक नवीन परंपरा को प्रारंभ किया, जो उनकी मृत्यु के बाद सामाजिक अंतर्क्रियावाद से जाना जाता है। ये बात याद रखिएगा। और इनकी एक पुस्तक भी थी जो उनकी मृत्यु के बाद रिलीज होती है, 1934 में जो है इनकी पुस्तक रिलीज होती है, मस्तिष्क, स्व और समाज। इनकी ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जो इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित होती है। तो इससे पता चलता है कि मृत्यु के बाद भी अगर विचार अच्छे हों तो वो जीवित रहते हैं, और यही जो इनकी पुस्तक थी, इनके विचारों को जीवित रखने का अद्भुत प्रयास करती है। इस पुस्तक में उन्होंने, यानी कि मीड ने जो है, सामाजिक मनोविज्ञान की एक नवीन समाजशास्त्रीय व्याख्या करने की कोशिश की है। मीड जो थे वह पूर्णतः समाज पर आधारित अनुभव, मानवीय समूह जीवन के में जो भी भाषा, प्रतीक, संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन का महत्व होता है, भूमिका ग्रहण की जो भूमिका होती है, उनके हाव भाव पर जो है बहुत अच्छे से इन्होंने जो है प्रतिक्रिया दी। और इनकी प्रतिक्रिया जो है पूरी तरह से तीन दृष्टिकोणों पर थी। पहली थी मनोवैज्ञानिक, कि किसी भी व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक दशा क्या होती है, वह किस प्रकार से काम करता है, और दार्शनिकता का भी, यानी कि इन्होंने दूरदृष्टिता का भी अनुभव दिया, और समाज का भी इन्होंने, इन तीनों ही चीज़ों का विश्लेषण करने की कोशिश की। जब कोई व्यक्ति बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है, जब उसके पास कई सारे अप्रोच होते हैं किसी भी घटना को देखने का, तो वह जो है विभिन्न विषयों पर या एक ही विषय पर अपनी विभिन्न प्रकार की राय रख सकता है। और यही मीड की खूबसूरती है कि इन्होंने जिस प्रकार से अपने जीवन में जो सीखा उसको इन्होंने समाजशास्त्र में देने की कोशिश की। मीड जो थे उन्होंने वेबर की क्रिया यानी कि जो सामाजिक क्रिया की अवधारणा है, और इसके सामान्य बोध को समझाने के लिए जो भी आवेग होते हैं, जो भी स्थितियों की परिभाषा है, और निष्पादन के जो भी स्वरूप होते हैं, उसके आधार पर इन्होंने जो है समझाने की कोशिश की। समाजशास्त्र के क्षेत्र में उनके मैं और मुझे का जो सिद्धांत है वह बालक के समाजीकरण के ऊपर जो है पूरी तरह से व्याख्यायित है। यानी कि इन्होंने जो मैं और मुझे का सिद्धांत दिया है
वह बालक के स्वरूप में समझाने की कोशिश की है कि एक बालक क्या कहता है कि अरे ये मेरा है, ये तेरा है। इस तरीके से हमने अपने जीवन में बच्चों को देखा है, या फिर खुद एक जब बच्चे थे तो हमने ऐसा किया है। तो वही जो है, वही सिद्धांत जो उन्होंने देखा, लोग सब देखते हैं, लेकिन उन्होंने उसको थ्योरी के रूप में समझाने की कोशिश की कि यह जो है किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है। मैं और मुझे जो है समाजशास्त्री होने के साथ साथ, सामाजिक समाज शास्त्री दृष्टिकोण होने के साथ साथ, ये एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। क्योंकि अगर कोई वस्तु मेरी है तो मैं उसे अपने पास रखूंगा, और उससे क्या लगेगा, लगाव रहेगा। लगाव रहेगा तो उसकी लाइफ भी अच्छी रहेगी। यानी कि अगर जिस चीज़ से हम प्यार करते हैं तो उसकी केयर भी करते हैं, केयर करेंगे तो उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। तो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं मैं और मुझे का जो सिद्धांत है, जो बालक के समाजीकरण के ऊपर जो है वह व्याख्यायित है, और यह पूरी तरह से समाज में एक परिपक्वता लाने में भूमिका नहीं निभा पाता है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति परिपक्व है, मैच्योर है, तो मैं और तेरा नहीं करेगा, वो हमारा करेगा, है ना। तो अगर वो हमारा है तो वहाँ पर प्रेम है, मैं और मेरा यानी कि वहाँ पर अहंकार है। तो ये कहते हैं कि किस प्रकार से ये जो इंसान है, मैं वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसे समाज से दूर करता है ना, अपनों से दूर करता है। कह रहे भाई हम उनसे कम हैं क्या, ये ऐसा जीवन में चलता है। हम बहुत बार हम ही लोग गुस्से में बोल देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा अहंकार होता है, और अहंकार होगा तो ये किससे दूर होगा, जिसके संदर्भ में मैंने ये बात कही है, उस व्यक्ति से यानी कि उस समाज से जो लगाव है वो कम हो जाता है। जब कभी भी अगर ये मैं नहीं होगा तो इंसान का विकास होगा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और दार्शनिक रूप से भी। यानी दार्शनिक रूप से किस प्रकार से वो माफ़ करना सीख जाएगा, कि गलतियां तो सब करते हैं लेकिन माफ़ वही कर सकता है जो दिल से बड़ा होता है। भगवान भी तो मुझे माफ़ करता है, तो हम इंसानों को क्या माफ़ नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि ये जो मीट थे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से समाजशास्त्री व्याख्या करने की कोशिश करते हैं कि ये जो मैं है, ये समाज के विकास के लिए नहीं है, ये समाज से दूर रहने के लिए मैं का कॉन्सेप्ट आया है। मैं जो है ये अपनों से दूर करता है, परिवार से दूर करता है, और समाज से दूर करता है। ये बात सही या नहीं? यानी कि जो समाज का जो दृष्टिकोण मीड ने बताने की कोशिश की, वो आज भी रिलेवेंट है, और हम भी जो है इस प्रकार से परेशान रहते हैं। व्यक्ति जो है किस प्रकार से स्व और पहचान के चक्कर में परेशान रहता है, कहीं ना कहीं उसे जो है स्व और पहचान बहुत परेशान करती है। एक तो स्व मतलब अपना, और पहचान का मतलब आइडेंटिफिकेशन। एक व्यक्ति जो होता है वो अपने नाम से जीने की कोशिश करता है, लेकिन वह व्यक्ति जो है वह किस रूप में कार्य करता है, वह यथार्थ में जीता है, यथार्थ में रहेगा, यानी कि वास्तविकता, वास्तविकता में अगर स्व का प्रयोग करेगा तो फिर क्या होगा, उसकी पहचान बनेगी या नहीं बनेगी? जरूर बनेगी। जब कोई व्यक्ति अगर अकेले चलना सीखेगा तो उसकी पहचान बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। लेकिन जब हम समूह में चलेंगे तो क्या वो समूह की पहचान होगी या स्व की होगी? वह समूह की होगी। तो इसलिए कहते हैं कि पहचान के लिए जो है ना स्व का रास्ता जरूर अपनाना पड़ता है। देख रहे हैं किस तरीके से इनका जो दार्शनिक दृष्टिकोण है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, ये तीनों ही बातें इस सिद्धांत में देखने को मिल रही है। अगर एग्जाम में पूछा जा सकता है ये कॉन्सेप्ट, तो आप अगर इन तीनों ही दायरों में, जैसे कि दार्शनिक दायरे में, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय, इन तीनों ही दृष्टिकोणों में अगर समझाने की कोशिश करेंगे तो ये आपका जो आंसर है वो टू दी पॉइंट हो पाएगा, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो आप बहुत ही खूबसूरती से समझा पाएंगे। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करिएगा।
समाजशास्त्र में व्यक्ति और समाज के बीच जो संबंध होते हैं उसके संदर्भ में दो विचारधाराएं प्रचलित हैं। ये बहुत ही खूबसूरत हैं इस विचारधाराओं को जानने के लिए। पहला, समाज व्यक्ति की चेतना से बाहर है और यह कुछ है, और इस रूप में समाज एक वस्तुपरक यथार्थ है। यानी कि समाज जो है एक ऑब्जेक्टिव वास्तविकता है, यानी कि वो सच में वास्तविकता है व्यक्ति के लिए। व्यक्ति जो है वो समाज से परे जाकर कुछ नहीं कर सकता। व्यक्ति चाहे तो अपनी चेतना से बाहर तो जा सकता है ना? व्यक्ति जो है वो चेतना से बाहर तो रह सकता है, अपनी चेतना से बाहर तो रह सकता है, लेकिन क्या वो समाज से दूर रह सकता है? क्या हम समाज से परे जाकर कुछ भी कर सकते हैं? क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार, समाज की परवाह जरूर आती है कि अगर हम आज अपने समाज की चिंता नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल जो है हम लोग अपनी लाइफ में डेली देखते रहते हैं कि कोई लड़का कोई लड़की जो है भागकर शादी कर लेते हैं। तो जब भागकर वो शादी कर लेते हैं तो क्या उनके परिवार वालों को समाज से फेस नहीं करना पड़ता है? चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों के परिवार वालों को ये बात फेस करनी पड़ती है कि उनका लड़का तो भाग गया, उनकी लड़की तो भाग गई, और अब अलग रहते हैं, पता नहीं है कहाँ पर, किस तरीके से बेइज्जती इन्होंने समाज की करा दी, इतना पैसा लेके भाग गए, बताओ बस एक लड़की के चक्कर में। तो ये क्या होता है, समाज जो है क्या कभी भी व्यक्ति को, जो समाज है कहीं पर भी समाज व्यक्ति के जीवन से बाहर हो सकता है? नहीं हो सकता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो सामाजिक संरचना है व्यक्ति की चेतना में बनती है, बिगड़ती और परिवर्तित होती रहती है। अब देखिए समय के अनुसार क्या होता है कि अरे हमारा देश तो बदल रहा है, हमारा समाज बदल रहा है। लोग जो है इंटरकास्ट मैरिज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इंटर कम्युनिटी मैरिज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इंटर रीजनल मेमो क्या कहते हैं विवाह को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सी कहते हैं कि जो ये जो चेतना है, जो व्यक्ति की चेतना है, उस समय के अनुसार बिगड़ती रहती है, सामाजिक संरचना के अनुसार बनती बिगड़ती रहती है और परिवर्तित होती रहती है। जैसा जिस आधार पर समाज आधुनिक होगा, लोगों की चेतना उतनी ही विकसित होगी, होगी या नहीं होगी? अगर हम पिछले 20 सालों पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारा समाज कभी भी अंतर जातीय विवाह को एक्सेप्ट नहीं करता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं कुछ परसेंट अंतर जातीय विवाह को एक्सेप्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो सामाजिक संरचना है उसका स्वरूप समय के अनुसार बदलता रहता है, वो जो विकास है वो समय के अनुसार बदलता रहता है। मीट जो है ये बताने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति और समाज के मध्य जो भी संबंध होते हैं, उपरोक्त में से जो दूसरी विचारधारा है उसका समर्थन वो करते हैं, यानी कि समय के अनुसार जो सामाजिक संरचना है उसमें परिवर्तन होता है। क्या वो समाज के हित में है? तो वो डेफिनेटली समाज के हित में है। अपने विचारों में मीट ने जो है समाज को व्यक्ति की चेतना में निर्मित प्रक्रिया के रूप में देखा है, और व्यक्ति के स्व पहचान और समाज के उद्भव और विकास की प्रक्रिया को समझाने के लिए अपने अंतर्क्रियावादी सिद्धांत की व्याख्या को उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। वो कहते हैं यही दो बातें इनके सिद्धांत की बहुत खूबसूरत लाइनें हैं जो आपको याद भी रखनी है, और यहीं से ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा हो जाएगा। यानी कि ये दो लाइनें अगर आपने समझ ली, जो पृष्ठभूमि जो मैंने बताने की कोशिश की, यह उस पूरे कॉन्सेप्ट को पूरा करता है। शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य सहयोग की प्रक्रिया को अपनाता है। अब जैसे कि अगर हम शारीरिक रूप से दुर्बल हैं तो चाहेंगे कि लोग हमारा सहयोग करें। अगर जैसे कि हम शारीरिक रूप से जैसे कि 100 क्विंटल का कोई 100 क्विंटल का कोई 100 क्विंटल वजन है, तो हम क्या करते हैं कि सोचते हैं कि 4-5 लोग जो है मिलकर मेरी हेल्प कर दें ताकि ये सामान जो है ग्राउंड फ्लोर से सेकेंड फ्लोर पे आ जाए। तो क्या होगा, जब आदमी जो है शारीरिक रूप से दुर्बल होगा तो मनुष्यों के सहयोग की प्रक्रिया को अपनाता है,
और उसके फलस्वरूप क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से और बहुत से व्यक्ति अनेक व्यक्तियों से पारस्परिक रूप से जुड़ जाते हैं। जुड़ जाते हैं कि नहीं जुड़ जाएंगे? और फिर कहेंगे अरे भैया चाय पी लीजिए, आइए पानी तो पी लीजिए कम से कम, आपने मेरी इतनी हेल्प की। तो वो क्या होगा, वो रिश्ता बनता चला जाता है। फिर आज पहली बार हेल्प की है, चलो अब उनके यहाँ दूसरा प्रोग्राम पड़ेगा तो ये फलाने व्यक्ति जाएंगे, फिर यहाँ होगा तो यहाँ जाएंगे। इस तरीके से क्या होगा, पारस्परिक क्रिया, सामाजिक क्रिया जो है वो बनने लगती है, वो संबंध जो है वो बनने लगते हैं। इन पारस्परिक क्रियाओं से जो है प्रभाव उत्पन्न होते हैं, और जिन्हें समाज और समूह कुछ भी कहा जा सकता है। अब ये जैसे कि ये दो लोग थे, चार लोग थे, तो ये क्या होगा कि ये जो है इस कॉलोनी के लोग हैं, इसके रूप में पहचान होगी, ये इस कॉलोनी के लोग हैं, ये इन लोग का ग्रुप है, अरे ये मोहित का ग्रुप है, इस तरीके से पहचान नहीं होती है। अरे ये फलाने का ग्रुप है, अरे ये देख रहे हो उस दिन वाला वो वाला ग्रुप है जो बैंड बजा रहा था, इस तरीके से ग्रुप के रूप में पहचान होती है ना। तो एक ये क्या होता है कि जब भी लोग आपस में उठते बैठते हैं तो वो एक सामाजिक समूह के रूप में जाने जाने लगते हैं। अरे भाई इन लोग के ग्रुप से मिलना नहीं, बहुत ख़राब है, बहुत मैंने देखा इन लोग बहुत सिगरेट विगरेट दारू वारू पीते हैं। तो ये क्या है, इन लोग की पारस्परिक सामाजिक क्रिया से ही इनकी पहचान हुई है, सामूहिक पहचान हुई है। दूसरा, मनुष्य के सहयोग की यह प्रक्रिया जो है उसके मन से प्रारंभ होती है। सही बात है। अब अगर हम किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं तो उसकी सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, यानी कि सब कुछ मन ही डिसाइड करेगा। अरे यार उसका एटीट्यूड तुमने देखा कितना बेकार है, तो हम उसकी हेल्प करने क्यों जाएं? ऐसा दृष्टिकोण होता है क्योंकि ये मन डिसाइड करता है कि उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, उसका व्यवहार नहीं अच्छा है, तो हम उसकी हेल्प क्यों करें? भले मर रहा है मर रहे, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा उसको देखने के लिए। जब उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया तो मैं उसके साथ अच्छा कैसे कर दूँ? तो इस तरीके का ये जो निर्धारण होता है वो मन के द्वारा होता है, क्योंकि मन जो है बड़ा विचलित होता है, क्योंकि जो मन को नियंत्रित कर लेता है वो दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। तो यही जो मन है वह हमारे एक्शंस को डिसाइड करता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे हमारा मन नहीं है, पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन वो पढ़ाई वो क्लास हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मन जो है कह रहा है कि आज मन नहीं है, आज पढ़ाई करने का मन नहीं है, खाना खाने का मन है, मूवी देखने का मन है। तो ये जो मन है ना यही इंसान की पहचान बनाएगा। पहचान बनाएगा या नहीं बनाएगा, किस रूप में बनाएगा? अब मेरा मन पढ़ाई में लगेगा तो सरकारी नौकरी मिलेगी, नहीं लगेगा तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जिस काम में मेरा मन लगेगा वह मन ही जो है हमारे एक्शन में तब्दील हो जाएगा, और जब हम एक्शन लेंगे तभी रिजल्ट आएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो स्व और पहचान का जो सिद्धांत है मीड का, वो कहीं ना कहीं मन से जुड़ा हुआ है, और इन्होंने कहीं ना कहीं हर एक प्रकार के अपने तीनों एंगल्स को दर्शाने की कोशिश की है। कौन कौन से तीनों एंगल्स? दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री। इन तीनों का बैलेंस जो है इन्होंने देने की कोशिश की है पूरी तरह से। और ये तीनों दृष्टिकोण बस आपको याद रखना है मीड जी के बारे में जब भी आपको पढ़ना है, और जब जब ये तीनों ही एंगल्स अगर आप समझेंगे जिस तरीके से मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, उन एग्जांपल्स का प्रयोग आप अपने आंसर में भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने उसको लिखा भी है, समझाने की कोशिश भी की है। तो ये जो है मुझे सबसे आसान थिंकर लगते हैं, क्योंकि इनको जो है हम अपनी विचारधारा में समझ कर लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही एंगल्स जहाँ पर रिलेट हो जाएंगे वहीं पर इनका सिद्धांत बनकर तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो डिस्कशन है वो समझ में आया होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डाउट क्लियरिंग सेशन में जो है अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो आज हम लोगों की यूनिट 4 कंप्लीट होती है, और अगले वीडियो से हम लोगों की यूनिट 5 स्टार्ट होगी, जो सामाजिक स्तरीकरण की होगी।
सामाजिक स्तरीकरण जो है हमारे यूपीएससी का एक अहम चैप्टर है जिसे हम लोग सविस्तार समझेंगे और बहुत खूबसूरत अपने जीवन के जो भी एग्जाम्पल्स हैं उसके माध्यम से यह सामाजिक स्तरीकरण के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में जल्द ही। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।